आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अवंतिका यादव। वक्त हो चला है प्राइम शतक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। चाय पर चर्चा के दौरान बोले राष्ट्रपति पुतिन, आपकी जिंदगी लोगों की सेवा में समर्पित। जो बाइडेन ने राष्ट्रपति की दावेदारी छोड़ने से किया इनकार, अपनी ही पार्टी को खूब सुनाया, कहा ट्रंप को मैं ही हराऊंगा। सदन में चुप रहकर बाहर टिप्पणी करना गलत, तीन आपराधिक कानूनों पर विपक्ष के बयान को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुनाई खरी खरी। मैं यहाँ आपका भाई बनकर आया हूँ, मणिपुर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिंसा पीड़ितों से की मुलाकात। बाढ़ से 28 जिलों में करीब 23 लाख लोग प्रभावित, 50,000 से ज्यादा लोगों ने राहत शिविरों में ली शरण। दक्षिण कन्नड़ जिले में भारी बारिश का रेड अलर्ट, आईएमडी के रेड अलर्ट को देखते हुए बंद हुए सभी स्कूल और कॉलेज। कांग्रेस नेता जयराम रमेश को कोर्ट से नोटिस, कहा था अमित शाह 150 कलेक्टरों को फोन कर डरा रहे। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट का ईडी को नोटिस, वकीलों से मिलने की मांग पर तिहाड़ अधिकारियों से मांगा जवाब। सरकार परीक्षा रद्द नहीं करेगी तो क्या करेगी, नीट यूजी पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सवाल। नीट यूजी पेपर लीक मामले पर सीबीआई ने कसा शिकंजा, महाराष्ट्र से एक और शख्स गिरफ्तार। पीएम मोदी भी निकाले 2-3 दिन का समय, मणिपुर दौरे के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर दी यह मांग। बालक बुद्धि सिर्फ बीमार, त्रासदी पर्यटन में व्यस्त, बीजेपी नेता अमित मालवीय ने मणिपुर दौरे को लेकर राहुल गांधी पर कसा तंज। पुलिस ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के पोस्ट की डिटेल मांगी, एनएससीडब्ल्यू चीफ रेखा शर्मा पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। नौसेना के लिए राइफल खरीद पर हो रहा है मोलतोल, 50,000 करोड़ से ज्यादा हो सकती है सौदे की कीमत। हेमंत कैबिनेट में चंपाई सोरेन और रामेश्वर उरांव समेत 11 ने ली शपथ। झारखंड विधानसभा में सीएम ने फ्लोर टेस्ट पास किया। आजम खां पर बुलडोजर कार्रवाई, सपा नेता के हमसफर रिजॉर्ट पर गर्जी जेसीबी, कब्जा मुक्त कराई सरकारी जमीन। एटा में प्रेमिका की हैवानियत, आरी से कई टुकड़ों में बांटी प्रेमी की लाश, चेहरा भी ना देख सके घरवाले। बरेली में बारिश और नदियों की उफान की वजह से जिले के 94 गांव घिरे, किशोर समेत 4 की डूबकर मौत। मुंबई रूट की लखनऊ से गुजरने वाली 10 ट्रेनें निरस्त, कई ट्रेनें रोक कर चलाई जाएंगी।
बलिया में शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी का जताया विरोध, जिलाधिकारी कार्यालय पर राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। अलीगढ़ में स्मार्ट सिटी की खुली पोल, बारिश से गलियों में जलभराव की स्थिति, शिकायत के बावजूद नहीं हो रही सुनवाई। अमरोहा में स्कूटी एजेंसी में लगी भयंकर आग, एजेंसी मालिक का हुआ लाखों का नुकसान। ललितपुर में पैसे के लेन देन को लेकर गोलीकांड का मामला, पुलिस ने आरोपी जीजा को किया गिरफ्तार। महाराजगंज में नेपाल से छोड़े गए पानी से बढ़ा बाढ़ का खतरा, डीएम ने अलर्ट रहने का दिया निर्देश। मथुरा में जर्जर टंकियों से लोगों में डर का माहौल, चंदनवन निवासी पहुंचे डीएम कार्यालय। मऊ में ट्रेन की चपेट में आकर दो लोगों की मौत, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रायबरेली में कई मांगों को लेकर किसान यूनियन का प्रदर्शन, किसान यूनियन ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। श्रावस्ती में नदियों का बड़ा जलस्तर, विधायक ने किया बाढ़ क्षेत्रों का दौरा, ग्रामीण को दिया मदद का आश्वासन। उन्नाव में नाराज ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस का किया घेराव, 1 जुलाई को हुई थी 20 लाख की चोरी। मुरादाबाद में स्मार्ट सिटी के दावों को खुली पोल, भोलानाथ कॉलोनी पूरी तरह से जलमग्न। हाथरस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी जांच का लिया संज्ञान, एसडीएम और सीईओ सिकंदरा राव निलंबित किए गए। जालौन में शराब माफिया और आबकारी विभाग की मिली भगत, एमआरपी से ज्यादा दामों में बेची जा रही है शराब। ललितपुर में लोडिंग टैक्सी में 52 पेटी शराब बरामद, 1 लाख से ज्यादा शराब सहित 2 अभियुक्त गिरफ्तार। लखनऊ में लगातार भयावह हो रहा यूपी में बाढ़ के हालात, राप्ती सरयू उफान से भयावह हालात। लखनऊ के होटल में आग लगने से मचा हड़कंप, होटल राज में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। लखनऊ में बसपा 2027 से पहले संगठन की मजबूती में जुटी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती उपचुनाव की तैयारियों में जुटी। प्रतापगढ़ में चारपाई पर सो रही बुजुर्ग महिला की चाकू गोदकर हत्या, आरोपी पड़ोसी युवक को पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे, राहुल गांधी ने चुरुआ मंदिर में की पूजा अर्चना। बागपत में जंगल में पड़ा मिला छात्र का शव, चचेरे भाई ने की गला घोटकर हत्या, नशे की हालत में दिया घटना को अंजाम। बलिया में पुरानी रंजिश के चलते हुई मारपीट, बीच बचाव करने आई महिला की मौत, मारपीट में शामिल लोग पुलिस की गिरफ्त में।
लखीमपुर खीरी में मैदानी इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी, बाढ़ से फसलें बर्बाद होने का खतरा। काशी में 26 स्वतंत्रता सेनानियों का 20 करोड़ से बनेगा संग्रहालय, फूड कोर्ट और गेमिंग जोन भी बनेगा। मैनपुरी में तैनात सिपाही दूसरे के घर की सुरक्षा में था व्यस्त, खुद के घर में हो गई चोरी। लखनऊ में निकला शाही जरी का जुलूस, 2 हाथी 8 ऊंट के साथ बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। मेदांता के कार्डियोलॉजी और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में कर्मचारियों को मुफ्त इलाज, पेंशनर संगठन के पदाधिकारियों को दी गई जानकारी। देहरादून में पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाया अभियान, 2 नशा तस्कर हुए गिरफ्तार, यूपी के शहरों में छात्रों को करते थे नशा सप्लाई। पौड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की विकास कार्यों की समीक्षा, बोले 9 पेंडेसी पर काम करे अधिकारी। उधम सिंह नगर जिले के कई इलाकों में भरा बारिश का पानी, लोगों को रस्सी और लकड़ियों के सहारे बचाया गया। विधानसभा उपचुनाव को लेकर 10 जुलाई को होगा मतदान, बीजेपी और कांग्रेस ने किया जीत का दावा। उत्तराखंड में SDRF लोगों के लिए बनी देवदूत, इस मानसून अब तक बचाई हजारों जिंदगियां, एक कॉल पर रेस्क्यू करने पहुंच रही है टीम। उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से 100 से ज्यादा सड़कें बंद, 4 धाम यात्रा भी रोकी गई। हल्द्वानी में सड़क पार करता बाइक सवार देखते देखते बह गया, उत्तराखंड में बारिश से बाढ़ जैसे हालात। देहरादून में महिला ने 3 बच्चों को दिया जन्म, घर में गूंजी एक बेटा और 2 बेटियों की किलकारी। कोटद्वार में हादसे का शिकार हुई पौड़ी से दिल्ली जा रही यात्रियों से भरी रोडवेज बस, मची चीख पुकार। वेंटिलेटर पर केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत, रीढ़ की हड्डी की सर्जरी सफल नहीं होने से बिगड़ी तबीयत। कुमाऊं कमिश्नर का नया अंदाज, बारिश के बीच सड़कों पर उतरे दीपक रावत, ट्रैक्टर पर बैठकर DIG के साथ लिया जायजा। चीन सीमा के निरीक्षण के लिए 17 सदस्यीय दल रवाना, अंतिम चौकी बाड़ा होती तक पहुंचेगी टीम। आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 जवानों का बलिदान, खबर से शोक में डूबी देवभूमि। कुमाऊं में 134 सड़कें बंद, पहाड़ में 550 गांव कटे, हालात पर काबू पाने के लिए SDRF उतरी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में लगातार बारिश, उफान पर नदियां, नैनीताल बागेश्वर पिथौरागढ़ के कई इलाके डूबे। नाटो सदस्यों में अलग थलग पड़ा कनाडा, रक्षा खर्च में कटौती से निशाने पर आए PM जस्टिन ट्रूडो।
सिंगापुर में भारतीय मूल के शख्स ने 4 साल पहले किया था 17 साल की बच्ची से दुष्कर्म, अब मिली 13 साल की सजा। आलोचना के बावजूद मैं दृढ़ता से खड़ा हूं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा, आखिरी तक चुनाव जंग लड़ूंगा। भारतवंशी की बेटी ने प्रस्तुति देकर अमेरिका में मचाया तहलका, आनंद महिंद्रा ने वीडियो शेयर कर दी बधाई। अब बेफिक्र होकर खा सकते हैं टिड्डे झिंगुर जैसे 16 कीड़े, सिंगापुर खाद्य एजेंसी ने बताया सुरक्षित। दो दशक से भी ज्यादा पुराना राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का याराना, 2001 में गुजरात के सीएम रहते पहली बार रूस गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन का पार्किंस का इलाज नहीं किया जा रहा है, व्हाइट हाउस ने दी जानकारी। म्यांमार में विद्रोही गुट का एयरपोर्ट पर कब्जा, सेना के साथ भिड़ंत में 400 सैनिक मारे गए। चीनी सेना ने लद्दाख के पास हथियार इकट्ठा के इलाके में बख्तरबंद गाड़ियां भी मौजूद। फ्रांस में फिर गठबंधन सरकार के आसार, वामपंथी गठबंधन को सबसे ज्यादा 182 सीटें। शेयर बाजार में लौटी मजबूती, सेंसेक्स 80,100 तो निफ्टी 24,350 के पार पहुंचा। एसी एलईडी लाइट के लिए 15 से फिर मांगे जाएंगे आवेदन, नए आवेदकों के साथ मौजूदा लाभार्थी भी कर सकेंगे आवेदन। धान की बुआई का रकबा चालू, करीफ सीजन 2024-25 में 19% बढ़ा, दलहन में करीब 55% की बढ़ोतरी। नया निवेश इस साल जून तिमाही में 2 दशक के निचले स्तर पर, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने जारी की रिपोर्ट। भारत में पिछले साल रोजगार वृद्धि दर 6% रही, आरबीआई ने रिपोर्ट जारी कर दी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, देश में घर खरीदने वालों को धोखा दिया जा रहा है, बिल्डर खरीददार समझौतों में आए एकरूपता। दिल्ली के बाद मुंबई में भी सीएनजी और पीएनजी गैस की कीमतों में बढ़ोतरी, एमजीएल ने किए बदलाव। 78 ने 2.5 साल से कर्मचारियों का पीएफ जमा नहीं किया, वित्तीय संकट से जूझ रही एयरलाइन। स्टारबक्स के फाउंडर हार्वर्ड सुल्ज ने सुनाया दिलचस्प किस्सा, कहा स्टीव जॉब्स उन पर चिल्लाए थे। मैक्स हादसे से जुड़े आपराधिक आरोप में बोइंग को दोषी ठहराया जाएगा, अमेरिकी सरकार ने अदालत को बताया। इरफान पठान ने आईपीएल के दौरान हार्दिक पांड्या की आलोचना करने पर तोड़ी चुप्पी, हार्दिक के लिए ये विशेष सफर रहा। सपनों में जी रहा हूं, T20 विश्व कप जीतने के बाद तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का आया बयान।
रूने को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे सर्बिया के नोवाक जोकोविच, जिमी को छोड़ा पीछे। अभिनव बिंद्रा ने भारतीय दल को दी सलाह, कहा खिलाड़ियों की मौजूदा पीढ़ी उनके समय के खिलाड़ियों की तुलना में ज्यादा मजबूत। रवि शास्त्री का आईसीसी को सुझाव, कहा टेस्ट में दो ग्रुप बनाए, एक ग्रुप में 6 से 7 टीमें हों। रोहित कोहली बुमराह को श्रीलंका दौरे से मिल सकता है आराम, हार्दिक या केएल राहुल कर सकते हैं वनडे सीरीज में कप्तानी। टी20 वर्ल्ड चैंपियन रोहित कोहली समेत 15 प्लेयर्स को 5-5 करोड़, हेड कोच राहुल द्रविड़ को मिलेंगे 5 करोड़। अभिषेक शर्मा की सेंचुरी पर युवराज सिंह की पोस्ट, लिखा रोम एक दिन नहीं बना था। भारत के खिलाफ श्रीलंका के कोच होंगे जयसूर्या, टी20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद सिल्वरवुड ने पद छोड़ा। तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने दिया बेहद इमोशनल बयान, कहा मुझे विश्वास है कि मैच के बाद भावनाएं बदलेंगी। गुम है किसी के प्यार में से बाहर होने पर चौंक गए थे शक्ति अरोड़ा, निर्माताओं पर जताई नाराजगी। शाहरुख खान ने की कभी अलविदा ना कहना में से मेरी भूमिका की नकल, पाकिस्तान कलाकार तौकीर नासिर का दावा। सलमान खान के आवास पर फायरिंग केस में एक्शन में मुंबई पुलिस, 9 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर। एंटीलिया में हुई अनंत राधिका की हल्दी मेहंदी सेरेमनी, उदित नारायण ने किया परफॉर्म। अली फजल के साथ श्वेता की है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, बोली मिर्जापुर के किरदार गोलू से बाहर निकलने के लिए थेरेपी का लिया सहारा। कल की गई क्लाइमैक्स की शूटिंग के दौरान प्रेग्नेंट थी दीपिका, को स्टार शाश्वत बोले सेट पर मौजूद थे पति रणवीर। हनुमान फेम डायरेक्टर प्रशांत वर्मा का रणबीर पर तंज, बोले रिजेक्शन में ब्लेशिंग छिपी होती है। कल्की ने शाहरुख खान की फिल्म जवान का रिकॉर्ड तोड़ा, 500 करोड़ क्लब में हुई एंट्री। उषा उत्तुफ के पति जानी चाको उत्तुफ का निधन, सिंगर के दूसरे पति थे जानी। विशाल पांडे की वजह से मंडरा लोकेश पर खतरा, एलिमिनेशन से बचने के लिए पीसनी पड़ेगी चक्की। बस इतना ही, बाकी खबरों को देखने के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सलों में से अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सलों एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं।
पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट सेक्टर 40 गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर, आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी विधायक चौराहा चुनट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव, केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां, निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर, आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी सुरक्षा करें। जब बात हो आपके स्वास्थ्य की तो फिर समझौता कैसा। जी हाँ, आपको हर बीमारी से बचाने के लिए आ गया है लखनऊ नेशनल हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको ICU एंड ICU की सुविधा बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ, वो भी 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ, वो भी अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में। पता नेशनल कॉम्प्लेक्स नियर सुन्नी इंटर कॉलेज, टुंडियागंज, लखनऊ। मोबाइल नंबर 7991223441। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938821072। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहाँ होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइन्स, प्रयागराज। प्रयागराज में पहली बार जर्मन टेक्नोलॉजी तकनीक के द्वारा महिलाओं की शारीरिक और मानसिक तकलीफों से छुटकारा पाए शकुंतला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता 3B ताशकंद मार्ग, सेंट जोसेफ कॉलेज के सामने, निकट भार्गव बुक डिपो, प्रयागराज। बाबा साहेब शादी.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मन चाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है, आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मन चाहा रिश्ता पाएं। उत्करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से, और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियों के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बन। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी, बेहतर इलाज वो भी अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। भारत हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको बेहतर हेल्थ फैसिलिटी, 24 घंटे इमरजेंसी वार्ड की सुविधा। डॉक्टर आलम खान कंसल्टेंट फिजिशियन, डॉक्टर तम्मार अली कंसल्टेंट फिजिशियन। पता तहसीन गंज चौराहा, हरदोई रोड, लखनऊ। फोन नंबर 9188587624669185770927862786। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ, आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर, लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस, बाराबंकी। फोन नंबर 0524829763187073854 7912120078।
सालों से लोगों के स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने रोशन कुटीर मुरैना, तेंदुखेड़ा के नंबर वन विश्वसनीय आभूषणों में से एक रूसिया ज्वेलर्स, 85 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित, जहां आपको सबसे कम ब्याज दर पर जेवर गिरवी रखा जाता है एवं मार्केट से सबसे कम बनवाई पर हॉलमार्क आभूषण उपलब्ध है। नई आबादी, सराफा मार्केट, मंडी रोड, तेंदुखेड़ा, मध्य प्रदेश। शिक्षा जीवन सार्थक करता, यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्री राम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 1923815530। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दांवपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक, सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर।